निक विजिक एक ऐसा नाम जिसने बिना हाथ पैरों की जीती है जिंदगी की जंग। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम निक विजिक था। निक अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ थे लेकिन उनमें एक कमी थी, वे फोकोमेलिया नाम के एक दुर्लभ विकार के साथ पैदा हुए थे जिसके कारण उनके दोनों हाथ पैर नहीं थे। डॉक्टर हैरान थे कि निक के हाथ पैर क्यों नहीं हैं। निक विजिक के माता पिता को यह चिंता सताने लगी कि निक का जीवन कैसा होगा, एक बिना हाथ पैर वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा। बचपन के शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। निक के जीवन में भी कई तरह की मुश्किलें आने लगी। उन्हें न केवल अपने स्कूल में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा बल्कि उनकी विकलांगता और अकेलेपन से वे निराशा के अंधकार में डूब चुके थे। वे हमेशा यही सोचते थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि काश उनको हाथ पांव मिल जाएं। वे अपनी विकलांगता से इतने निराश थे कि 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन फिर उनकी माँ द्वारा दिए गए एक लेख को पढ़कर उनके जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। यह लेख एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था जो एक विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता से जंग और उस पर विजय की कहानी थी। उस दिन उन्हें यह समझ में आ गया कि वे अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह के न जाने कितने व्यक्ति हैं जो उन्हीं की तरह से संघर्ष कर रहे हैं। निक भी धीरे धीरे यह समझ चुके थे कि वे चाहे तो अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी सकते हैं। निक ने धीरे धीरे पैर की जगह पर निकली हुई उंगलियों और कुछ उपकरणों की मदद से लिखना और कंप्यूटर पर टाइप करना सीख लिया था। 17 वर्ष की उम्र में अपने प्रार्थना समूह में व्याख्यान देना शुरू कर दिया। 21 वर्ष की उम्र में निक ने अकाउंटिंग और फाइनेंस से ग्रेजुएशन कर लिया और एक प्रेरक वक्ता के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने एटीट्यूड इज एटीट्यूड नाम से अपनी कंपनी बनाई और धीरे धीरे निक विजिक को दुनिया में एक ऐसे प्रेरक वक्ता के रूप में पहचाने जाने लगा जिनका खुद का जीवन अपने आप में एक चमत्कार है। उन्होंने प्रेरणा और सकारात्मकता का संदेश देने के लिए लाइफ विदाउट लिम्स नाम से गैर लाभकारी संगठन भी बनाया है। 33 वर्षीय निक विजिक आज न सिर्फ एक सफल प्रेरक वक्ता हैं बल्कि वे सब करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। जन्म से ही हाथ पैर न होने के बावजूद वे गोल्फ व फुटबॉल खेलते हैं, तैरते हैं, स्काई ड्राइविंग और सर्फिंग भी करते हैं। यह अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात है उनकी जीवन के प्रति खुशी और शांति की सम्मोहक भावना। आज वे दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहे हैं। निक ने भौतिक सीमाओं में जकड़े रहने के बजाय अपने जीवन पर नियंत्रण करने की शक्ति पाली और आशा के इसी संदेश के साथ 44 से अधिक देशों की यात्रा भी की है। जहां हम छोटी छोटी बातों से परेशान और हताश हो जाते हैं वहीं निक विजिक जैसे लोग हर पल यह साबित करते रहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है, प्रयास करने पर सब कुछ आसान हो जाता है। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिलता है तो दवा भी यहीं मिलेगी। जिंदगी द्वारा दी गई हर चीज़ को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, फिर वे चाहे मुश्किलें ही क्यों न हो। मुश्किलें ही वो सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़कर हमें जिंदगी में कामयाबी और खुशी मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।